जब हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो कंपनी देखकर पेट्रोल नहीं भरवाते हैं, जो पेट्रोल पंप दिखा उसी पर चले जाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। ज्यादातर लोग सरकारी पेट्रोल पंपों से फ्यूल भरवाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा ठगी सरकारी पेट्रोल पंप पर हो रही है। ये हमारा नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय का ही खुलासा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि 2015 से 2017 के दौरान इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL पेट्रोल पंपों पर ठगी के कुल 10,898 मामले सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा मामले इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर ठगी के मामलों की संख्या 3,901 है। इनमें से 1,183 मामले मिलावट खोरी के और 2,718 मामले कम पेट्रोल डीजल दिए जाने के हैं। वहीं देश के 36 राज्यों का आंकलन करें तो डाटा के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मौजूद इंडियन ऑयल पेट्रोल पंपों पर ठगी हो रही है। रिपोर्ट की माने तो भारत पेट्रोलियम यानी BPCL पेट्रोल पंपों पर ठगी के कुल 3,103 मामले समीक्षाधीन अवधि में सामने आए। इनमें से 731 मामले मिलावट खोरी और 2,372 मामले कम तेल दिए जाने के रहे। राज्यों के हिसाब से BPCL पेट्रोल पंप पर मिलावट खोरी के सबसे ज्यादा मामले कर्नाटक में और कम पेट्रोल डीजल दिए जाने के महाराष्ट्र में निकले। वहीं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर 2015 से 2017 के दौरान ठगी के 3,894 मामले घटित हुए। इनमें से मिलावट खोरी के 1,136 मामले और कम फ्यूल दिए जाने के 2,758 मामले रहे। राज्यों के हिसाब से HPCL पेट्रोल पंपों पर सबसे ज्यादा ठगी महाराष्ट्र में हुई है। निकिता अरोड़ा, APN।